नवी मुंबई में घरफोड़े की बढ़ती घटना पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने पूर्णता प्रयास में लगी है। इस बीच पुलिस को घरफोड़ी करने वाले चोरों के गिरोह में से मुख्य आरोपी के तुरभेद मार्केट में आने की जानकारी गुप्त सूत्रों द्वारा मिली, जहां स्वतंत्र पुलिस पथक की स्थापना कर योजना तैयार करने के बाद जसपाल सिंह उर्फ जग्गू को गिरफ्तार करने में पुलिस को यश हाथ लगी है। शुक्रवार के पत्रकार परिषद में इस पर सहायक पुलिस आयुक्त मधुकर पांडे ने अधिक स्पष्ट किया है। नवी मुंबई पुलिस ने हमारी जो क्राइम ब्रांच है उसको एक घरफोड़ी की एक गैंग है उसको पकड़ने में सफलता मिली है। इसका एक जो मुख्य आरोपी था उसको हमने अरेस्ट किया है। उसका नाम है जसपाल सिंह गोपाल सिंह कोरंगा उर्फ जग्गू। ये मूलतः उत्तराखंड का रहने वाला है और यहाँ पे इसको तुरभे में अरेस्ट किया गया है। इसको अरेस्ट करने के बाद में यह पता चला है कि इसने हमारे यहाँ पे 21 घरफोड़ी के गुनहे किए थे, जिसमें से ये इसको अरेस्ट किया गया है और इसके साथ में जो दो लोग और थे उनके बारे में इन्फॉर्मेशन हमको मिली है डिटेल्स, और उनको भी हम लोग अरेस्ट करने वाले हैं। फिलहाल नवी मुंबई आयुक्तालय के हद में रहकर तकरीबन 21 घरफोड़ी की घटना को अंजाम दिया है, ऐसा पूछताछ के दौरान आरोपी व उसके दो साथियों ने कबूला है, जिसके अनुसार इस मामले में कुल 460 ग्राम वजन के दागीने को हस्तगत किया गया है, जिसकी कुल कीमत 13,80,000 रुपए बताई गई है। इसमें हम लोगों ने इससे अभी तक 460 ग्राम सोने जो कि 13,80,000 रुपए कीमती के गहने वगैरह जब्त किए गए हैं। ये जो आरोपी है इसके खिलाफ थाना नवी मुंबई और पुणे यहाँ तीन जगहों पे घरफोड़ी चोरी दरोड़े की तैयारी और एक 307 यानी अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर का भी क्राइम रजिस्टर है। घरफोड़ी करने वाले गिरोह के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद अन्य आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसा पुलिस ने स्पष्ट किया है। कैमरामैन मूसा के साथ शेखर हमप्रस की रिपोर्ट।